राठौर के साथ आप देख रहे हैं आज की खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। मैनपुरी के लोगों को दहशत में डालने वाली तेज धमाके की आवाज किस चीज की थी, इसका पता चल गया है। हालांकि इस धमाके ने मैनपुरी के लोगों को दहशत के साथ अचंभे में भी डाल दिया था। धमाके में काफी लोगों का नुकसान भी हुआ था। शुक्रवार की देर दोपहर मैनपुरी में एक बेहद ही तीव्र धमाके की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन यह धमाका कहां हुआ, किसका था, कैसा था, इसका कोई भी अता पता नहीं चला। पूरे शहर में इस धमाके की चर्चाएं सारे दिन होती रहीं। धमाके में कई लोगों का नुकसान भी हुआ था। अदरवाइज और कोई वैसा धमाका तो नहीं है, ये ऊपर एटमॉस्फेयर का ही और वही लग रहा है, उसी वजह से शीशा भी क्रैक हो गया। कितना नुकसान हो गया होगा? लगभग 20,000 रुपए। इससे पहले भी ऐसे धमाके की कभी आवाज सुनाई पड़ी है? इससे पहले तो कभी नहीं सुनाई दी। आवाज कितनी भयानक थी? आवाज तो बहुत ज्यादा थी, लगभग पूरे मैनपुरी जनपद मैनपुरी में ही पूरे ऑल ओवर सुनाई दी गई है। यहाँ पे काफी भीड़ भी लग गई थी, लोगों ने कहा कि गोली चल गई, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट बस वही धमाके की वजह से वाइब्रेशन जो हुए उसकी वजह से शीशा टूट गया। काफ़ी तेज था, हमारे दुकान का पंखा वंखा भी हिल गया था, फिर उसके बाद लेकिन पता नहीं चला क्या था, कि थोड़ी देर का ही था, उसके बारे में कोई पता नहीं चला क्या हुआ। क्या धारणाएं बन चुकी थी लोगों के मन में, किस तरह का ये है? कोई बात पता नहीं चली इसके। हम लोग जहाँ बैठे हुए थे एकदम धमाके की आवाज़ आई, डेढ़ लगभग 1:45 बज रहा था। उसका जो पंखा भी मेरा ऊपर टंगा ये भी थोड़ा हिला, चल नहीं रहा था, कोई लाइट थी नहीं उस समय, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। वहीं आखिरकार वैज्ञानिकों ने इस तेज धमाके का खुलासा कर दिया है। भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि वो आवाज आवेशित बादलों के टकराने से पैदा हुई। चूंकि दोपहर के समय घने बादल छाए थे, इसलिए सिर्फ धमाके की आवाज सुनाई दी, प्रकाश नजर नहीं आया। आगरा के भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि आवाज आवेशित बादलों के टकराने की थी, लेकिन अचानक ऐसा होना मैनपुरी के लोगों को सन्न करके रख दिया था। जहाँ ऊपर से रहे से बादल फटने की आवाज आई हो, बहुत तेज नीचे कुछ गिरा हो, एकदम से दरवाजे खिड़कियां भी हिलने लगे, दरवाजे भी हिलने लगे, ऐसा लग रहा जैसे भूकंप सा आने वाला है। बाकी 2 मिनट का धमाका था, उसके बाद सब नॉर्मल। कभी ऐसा पहले और धमाका सुनाई पड़ा आपको? नहीं, कल एकदम ही 2 मिनट के लिए खाली हुआ, बस उसकी आवाज आई थी और मार्ग में पड़ा, खिर से आवाज आई। किस तरह की आवाज थी, कितनी तेज थी? मल्ला आवाज थी कि पूरे आगरा में आवाज आई। इससे पहले ऐसा धमाके की कोई आवाज कभी सुनी हो आपने मैनपुर के? नहीं सुनी, नहीं सुनी, ये पहली बार की धमाक हुई है, बहुत शांत। कुछ लोग डर भी गए थे? हाँ, कुछ डर भी गए थे, बताने कब गए थे कि क्या। कई तरह की चर्चाएं भी होने लगी, चर्चा होने लगी कि धमाका हो गया है, ये सब कि डरवा गया है, कि चलवा गया है, ऐसा नहीं।